एक माफिया दस दो कि उन्हें खत्म किया होगा। तो इसे करके तो कांग्रेस से रौला पे इसे करके तो सिद्धू ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, इसे करके तो उन्होंने MLA ने किरना शुरू किया। पंजाब की राजनीति में हौली हौली धाड़वी जोड़े सीगे उन्होंने कब्जा कर लिया, किसी ने कांग्रेस रूप धारण कर लिया, किसी ने BJP कर लिया, किसी ने बादलों ने उन्होंने धाड़वियों के जोड़े कहते धाड़वियों के सरदारे आजम बन गए लुटेरे। जो सारी दिहाड़ी व्यापार की गल करता हो कि वो संसार के दुखों की तकलीफों की सोच की उम्मीद रखनी ये सब तो बड़ी भुल होगी। देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अनुजा शर्मा। लगातार सियासी सरगर्मियां जड़ियां ने तेज़ होंदियां जा रही ने। अज भी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जी हैगी है उन्होंने होर पार्टियां दे नाल जोड़िया गया है, होर पार्टियां दे आगू उहदे विच आए ने। गलबात करांगे, साडे नाल मौजूद ने पार्टी दे लीडर जिहड़े ने सुखदेव सिंह ढींडसा जी मौजूद ने। ढींडसा साहब, जेकर गल कीती जावे वड्डी वड्डी पार्टियां ने होर तुहानूं आके ज्वाइन कीता आ, जेकर गल कीती जावे एजेंडे दी, की एजेंडा रहेगा मुख जिहदे हेठ इन्ने वड्डी पार्टियां जड़ियां इकजुट हो रही ने? देखो कुछ एजेंडे तो ऐसे ने जोड़े पक्के है साढ़े, जिमें गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबी का मुद्दा, मोर पावर टू द स्टेट का मुद्दा है, वो तो मुद्दे है ने। बाकी साड़ियाँ अजे पार्टियां रल रही ने, वो पार्टियां जो इकट्ठियां हो जाएंगी सारियां जोड़े बाकी उन्होंने एक कमेटी बनूगी, वो सारे मुद्दे लैके उहदे नाल चलांगे। दूजे पासे जेकर ढींडसा साहब गल की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू हुणे प्रधान बने ने, बहुत वड्डे वड्डे वादे किए ने, लगातार मीटिंगा का दौर उन्हों का भी जारी है। किन्ना कु लगता है 6 महीने जोड़ा काम, 6 भी नहीं हुण तो 3-4 महीने बाकी रह गए हैं, किन्ना कु काम कर सकते हैं? 5 नुकते चक्के ने, कि वो 5 नुकते पूरे कर पाएंगे? नहीं, कोई नहीं कर सकता। एवें ने गल्लां उन्हों की अपनी पहला कैप्टन साहब ने किन्ने मुद्दे लैके किन्ने वादे किए लोगों, किन्ने पूरे हो गए, और सुखबीर जिन वादे करी जाता किहड़े पूरे कर दूगा? ये लोगों बेवकूफ बनाने की गल करते हैं। हुण लोग इन्ने बहुत सियाणे हो गए ने, हुण कोई इस तरह नहीं आउणगे। दूजे पासे जेकर गल की जाए बिजली इस वक्त बहुत वड्डा मुद्दा बनया होया पंजाब वास्ते। पहले बिजली की गल की जाए, बिजली बहुत वड्डा मुद्दा है। पहले आम आदमी पार्टी आंदी है वो 300 यूनिट फ्री देने की गल करती है, अकाली दल आंदी है वो 400 यूनिट फ्री देने की गल करती है, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं बिजली सस्ती कर दी जाएगी, 3 रुपए यूनिट कर दी जाएगी। किन्नी कु उम्मीद हैगी है कि ये जी बिजली के वादे किए जा रहे, कि जी मुफ्त बिजली देने का वादा किया जा रहा पहला, तो वो पंजाब नूं किते सहार सकता है? देखो बिजली देने का तो गल कर रहे हैं, जोड़ा वो जोड़े प्राइवेटा सुखबीर ने किया उन्होंने तो रिजेक्ट नहीं हुण तक कर सके। वो हज़ारां 20-50 हज़ार करोड़ रुपया वही वाधू लै रहा जो उन्होंने बिजली भी नहीं पैदा की, तो वो हुण सस्ती कितों देणगे? तो पहले ही करजाई करता, बिजली बोर्ड तो इन्ना करजाई हो गया कि वो तो कितों भी हुण उन्होंने पैसे मिलने तैयार नहीं है। तो सर जेकर गल की जाए ये उत्ते ही गल की जाए, 3 रुपए यूनिट देने की भी गल की जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 3 रुपए यूनिट देवांगे। पंजाब जिहड़ा खेतर है सब तो वध बिजली इत्थे प्रोड्यूस की जाती है, उत्थे सब तो वध बिजली महंगी मिल रही है। जेकर तुहाडी पार्टी आती है अगे वधदी है, की तुसीं की वादा करदे हो बिजली के उत्ते? की वादा अज मैं वादा कोई नहीं करना चाहता, मेरा वादा नहीं है। मैंने ठीक है उन्होंने सारे लीडर मन्ने पर असीं इकट्ठे होकर फैसला करांगे। जेकर यदी गल की जाए अगे जिस वक्त पार्टियां हुण इकट्ठियां हो रही ने, जिहड़े कांग्रेस पार्टी उत्ते वड्डे वड्डे इल्ज़ाम लगे ने, फतेह किट का इल्ज़ाम सब तो वड्डा आ, फतेह किट जिहड़े कोविड वायरस दे विच सब तो ज़्यादा जरूरत सीगी, उहदा इन्ना वड्डा स्कैम सीगा, उहदे उत्ते तुसीं की गल करदे हो? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी गवर्नर तक पहुंची, उन्हां नूं पत्तर दे के आई है, इल्ज़ाम लगा के आई है। देखो गल इह है कि पहले तो कैप्टन साहब यही दस्सण जो उन्होंने वादे किए, खास करके 2-3 वादे मैं दसदा। उन्होंने वादा किया कि मैं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है जी उसकी पूरी करूँगा, फैसला भी कराऊँगा, तो उसके खिलाफ एक्शन भी करूँगा। उन्हें दस दिन कितों फिर उन्होंने कहा मैं रेता बजरी किता जोड़ा चलता वह भी खत्म करूँगा, मैं शराब माफिया भी खत्म करूँगा, मैं दूजे माफिया भी खत्म करूँगा, एक माफिया ट्रांसपोर्ट माफिया भी खत्म करूँगा, एक माफिया दस दो कि उन्हें खत्म किया होगा। तो इसे करके तो कांग्रेस से रौला पे, इसे करके तो सिद्धू ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, इसे करके तो उन्होंने MLA ने किरना शुरू किया। जेकर गल की जाए रामूवालिया साहब की धी ने हुने बीजेपी में ज्वाइन किया, बीजेपी पार्टी च गई हैगी, अज रामूवालिया साहब तुहाडे नाल जुड़े ने, किन्ना कोई दे बारे तुहानू लगदा है? उन्हां नाल भी गलबात करांगे। जेकर होर गल की जाए, तुहाडे नाल गल की जाए, 2022 वास्ते तुहाडे मुख एजेंडे जिहड़े ने वो किन्ने कु स्ट्रोंग, किन्ने कु जनता वास्ते रहणगे 2022 दीआं चोणां दे? देखो असीं तां लोकां नूं अपील करांगे, असीं कोई बहुत बड़े वादे नहीं कर सकदे, लेकिन ये जरूर है कि साडे लोग विश्वास करनगे असीं कोई ईमानदारी नाल जिन्नी देर रहे पॉलिटिक्स कीता काम। मैं समझदा असीं लोकां नूं अपील करांगे, उस तो बाद लोकां ते है कि वो की चाहुंदे ने। इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने B.S. रामूवालिया साहब जिहड़े इस वक्त श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जिहड़ी हैगी है उसनूं इत्थे पहुंचे ने, उन्होंने सपोर्ट कर रहे ने। रामूवालिया साहब जेकर गल कीती जावे सपोर्ट करन दी तां की जिहड़े मुख जिहड़ी इन्हां दी चीज़ां सीगियां जिन्हें तुहानूं कहा कि इस पार्टी नूं आके ज्वाइन की इनू सपोर्ट किया जाए? देखो बेटा बड़ी स्पष्ट गल है कि पंजाब की राजनीति विच हौली हौली धाड़वी जिहड़े सीगे उन्होंने कब्जा कर लिया, किसी ने कांग्रेस रूप धारण कर लिया, किसी ने बीजेपी कर लिया, किसी ने बादलों ने, उन्होंने धाड़वियां दे जिहड़े कहंदे धाड़वियां दे सरदारे आजम बन गए लुटेरे। अज पंजाब लुटिया पिया, सेहत पक्षों खत्म, जिहड़ी पंजाब दी ते सिखां दी वर्ल्ड च धांक सी, धांक पक्षों खत्म, धांकां उड़ातियां, जिहड़ी एजुकेशन विच कदे रुड़की यूनीवर्सिटी विच 68 बच्चे पढ़न गए सी, जिन्हां विचों 44 पंजाबी सी और सिख, वो भी खत्म। फिर रोजगार के मौके खत्म, फिर व्यापार भी निजदा। दसो जिहड़ा लीडर 3500 बस पावे, पेट्रोल पंप खोले, जिहड़ा टेलीविजन के सेंटर खोल के काम करे, जिहदे दिल्ली ते चंडीगढ़ होटल चलते होण, तो जो सारी दिहाड़ी व्यापार की गल करता हो, संसार के दुखों की तकलीफों की सोच की उम्मीद रखनी, ये सब तो वड्डी भुल होगी। जेकर दूजी पार्टियां की असीं गल करिए, कांग्रेस की गल कर लैंदे क्योंकि पंजाब जिस वक्त कांग्रेस सरकार हैगी है। नवजोत सिंह सिद्धू चेहरे का फेरबदल किया गया, प्रधान बनाए गए ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने आके वड्डे वड्डे वादे किए ने, लगातार कांग्रेस भवन के विच मीटिंगां चल रही ने। किन्ना कु लगता है जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कम्मां दे करके अगे आए ने, लोकां दे विच वड़े ने, किन्ना कु कम्मां नूं सक्सैसफुल कर पाउणगे? देखो बीबी जी हले उन्होंने स्टार्ट किया है, हले वो सीट पर बैठे है तो गड्डी चला लैन दी 3-4 महीने, फिर रिजल्ट कढ़ांगे। ये प्रेजुडिस होगा जे मैं अज ही कोई उहदे टिप्पणी करा, मैं वेट करना चाहुंदा, अक्सर मेरा तजर्बा जिंदगी दा। रामूवालिया साहब पिछे एक तुहाडी धी दी गल करिए, उन्हें बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली तो हुण कोई गलबात दा दौर उहदे नाल होया? उहदे नाल बोलचाल खत्म हो गई है तो मैं क्लीयर करता भी वो 36 साल उन्होंने विआह ही नहीं हो गए, जो तुसी 36 साल के विआह करके थोड़े हो गए, उदों पेरेंट्स ने थोड़े तो रोह भी नहीं रहना, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उन्हें किया पर मैं वह बाईकाट करता क्योंकि वो किसानों नाल गद्दारी कर गई, किसान मूवमेंट, किसान लहर। मैं तो इतों तक कहना बेटा जे बोलते हो भी जो भगवान के उत्ते कोई होर भगवान कट्ठे हो जाए, ईसाइयां का भगवान, मुसलमानों का भगवान, यहूदियों का भगवान, तौरेत अंजील ज़बूर कुरान इन्हां किताबां दे लेखक वो अपने वाले हिंदू भगवान नूं पुछण भी इंडिया वाला दस भगवान तो भी कोई वड्डा है इंडिया च, वो कह दूगा होली देने भी मेरे नालों किसान वड्डे है। मैं तो भुल जाना रोटी देनी, वो तो सारियां नूं दिंदे है, फिर आप भुखे रह के दिंदे। किसान लई रामूवालिया दा खून दा आखिरी कतरा समर्पित है तो मेरी धी ने किसानां नाल गद्दारी कीती है। जेकर गल की जाए धी दे बीजेपी पार्टी वाल जाना, तुहाडे नाल इन्ना चिर रही, बचपन पूरा तुहाडे नाल बताया, की चीज़ मनते हो कि कुछ मैनूपुलेट किया गया? बेटा वो बच्ची थोड़ो है, 36 साल तो विआह ही नहीं हो गए, तो वोदी जड़ी लड़की है मेरा ख्याल घट्टो घट्ट 32-30 साल की है, वो डॉक्टर है, उसका दामाद डॉक्टर है, तो बच्ची को कि दोती है 1.5 साल की, तो इन्नी वड्डी मेरी धी दी आप वोदी धी वोदी धीगा उन्हें पता नहीं किवें किसी ने बरगला लिया। किसानों के नाल खड़न की गल करते हैं रामूवालिया साहब, किसान हजे भी बरूहां ते बैठे ने, अपनी पार्लीमेंट सजा के भी बह गए कि, लेकिन फिर भी जिहड़ी सरकारां ने उन्हां दे कन्नां च जूं नहीं सरक रही। दुनिया के इतिहास में हिटलर, मैसोलिनी, औरंगजेब दुनिया के इतिहास में वड्डे वड्डे डिक्टेटर तो वह सारे झुकते नहीं होंगे पर इतिहास उन्होंने झुका भी दिता तो असफल होने के धब्बे भी उन्होंने चेहरे पर ला दिता इवें साडी सरकार ते लगणगे जिहड़े केंद्र च बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गलबात करके पुत्त होदे। ये साडे नाल मौजूद सी के बीएस रामूवालिया जी जिन्हों ने गलबात की कि भावें कुछ भी हो जाए ये आप जड़े ने किसानों के हक नाल खड़े ने होर कुछ भी हो जाए लेकिन जिहड़ी केंद्र की सरकार हैगी है उन्होंने जिहड़े किसान बैठे ने उन्हों की सुननी चाहिए हैगी है क्योंकि रब भी एक बार भुल सकता आ लेकिन किसान किसी को रोटी देना नहीं भुलते। कैमरामैन सुनील के नाल अनुजा शर्मा, देश परदेश टीवी, चंडीगढ़।